फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शुभम गोस्वामी और आज मैं आपको बताऊंगा आनुवंशिकी। फ्रेंड, मैं आपका दोस्त शुभम गोस्वामी और आज मैं आपको बताऊंगा आनुवंशिकी चैप्टर का एक ऐसा रोग जिसका नाम है टर्नर सिंड्रोम। तो फ्रेंड, मैं आपको बताऊंगा कि टर्नर सिंड्रोम कैसा रोग है, किस कारण होता है और इसके लक्षण क्या क्या हैं। तो फ्रेंड, सबसे पहले तो आपको यह जानना ज़रूरी है कि टर्नर सिंड्रोम। फ्रेंड, आप इस वीडियो को लास्ट तक देखें ताकि आपके समझ में आ सके, क्योंकि आधी अधूरी जो जानकारी होती है वो अच्छी नहीं होती है, वो आप बाद में भूल जाएंगे। तो इसलिए पूरा वीडियो अगर आप अच्छे से देख लेंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ बैठ जाएगी, ताकि आपको हमेशा याद दिलाती रहेगी। तो टर्नर सिंड्रोम एक कैसा रोग है फ्रेंड? आनुवंशिकी रोग है, ये तो आप जानते ही होंगे क्योंकि आप चैप्टर ही वही पढ़ रहे हैं। आनुवंशिकी या विकार भी लिख सकते हैं, अरे रोग या विकार एक ही चीज़ है फ्रेंड, आनुवंशिक विकार है। तो ये तो था कि टर्नर सिंड्रोम कैसा रोग है, तो आप कह दीजिए आनुवंशिकी रोग है, आनुवंशिक रोग है। तो फ्रेंड, ये तो आपका था रोग। अब आपको जानना है कि इसका यह किस कारण होता है, तो इसका कारण क्या है, इसको आप अच्छे से समझ जाइए। तो कारण क्या है फ्रेंड, कि इस रोग में, यानी कि जब ये रोग किसी को हो जाता है, तो यहाँ पर आप लिख लीजिए, इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। तो इस रोग में एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है। तो फ्रेंड, ये ज़्यादातर स्त्रियों को होता है। तो स्त्रियों में जो गुणसूत्र होते हैं वो आप जानते होंगे कि एक्स और एक्स होते हैं, ठीक है, ये होता है इसमें स्त्रियों में। ये ऐसे, मतलब ये है फीमेल का चिन्ह, और जो पुरुषों में होता है फ्रेंड वो होता है एक्स एंड वाई होता है। तो फ्रेंड, स्त्रियों में यह रोग हो जाने पर, स्त्रियों में यह रोग होने पर गुणसूत्र एक्स एक्स की जगह एक्स वो हो जाता है। तो फ्रेंड, जो स्त्रियों में एक्स एक्स गुणसूत्र पाया जाता है, तो एक्स एक्स की जगह एक्स वो गुणसूत्र का हो जाता है, जिससे ये रोग हो जाता है। तो फ्रेंड, अब इसके लक्षण क्या हैं, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इसके लक्षण क्या हैं फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ। तो फ्रेंड, इसका लक्षण है जननांग, मतलब जननांग, जब इसका संधि विच्छेद करेंगे तो जननांग अल्प विकसित हो जाता है। तो फ्रेंड, जननांग यह रोग होने पर स्त्रियों में जननांग अल्प विकसित हो जाता है, और उसके बाद ये नारियाँ, जिस नारी को ये रोग हो जाता है, ये नारियाँ बांझ कहलाती हैं, यानी कि जिसके लड़के बच्चे नहीं होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बांझ। तो ऐसी नारियाँ बांझ कहलाती हैं, और ये रोग होने से अंडाशय अल्प विकसित होता है। तो अंडाशय ही मादा युग्मक का निर्माण करता है फ्रेंड। तो जब अंडाशय ही अल्प विकसित होगा तो मादा युग्मक
अंडाशय से बाहर नहीं आ पाएगा, यानी कि अंडोत्सर्ग नहीं हो सकेगा, तो फिर जो संतान है उसकी उत्पत्ति नहीं हो पाएगी फ्रेंड। तो इसीलिए नारियां बांझ कहलाती हैं। तो फ्रेंड इसको एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए। तो फ्रेंड क्या है, टर्नर सिंड्रोम एक आनुवांशिक रोग है, और इसका कारण क्या है फ्रेंड, इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र का अभाव होता है, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र नहीं पाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड, इनमें दो एक्स गुणसूत्र होते हैं, तो इनमें अगर एक नहीं रहेगा तो ये अल्प नारी रहेंगी, लेकिन अगर इनमें एक एक्स नहीं रहेगा तो ये जो है पुरुष बिल्कुल ही नहीं रहेंगे। तो इसलिए ये रोग ज़्यादातर स्त्रियों में होता है। स्त्रियों में यह रोग होने पर गुणसूत्र जो है एक्स एक्स की जगह एक्स वो हो जाता है, मतलब एक्स एक्स की जगह गुणसूत्र एक्स वो हो जाता है, एक्स जीरो इसको भी कह सकते हैं। और जब ये हो जाता है तो लक्षण क्या क्या उत्पन्न होते हैं, जननांग अल्प विकसित हो जाते हैं, नारियां बांझ कहलाती हैं क्योंकि इनका अंडाशय अल्प विकसित होता है। तो फ्रेंड ये था टर्नर सिंड्रोम। तो आई होप कि आपको टर्नर सिंड्रोम अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड हम आपको अब पढ़ाएंगे क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। तो फ्रेंड एक टॉपिक तो आपको याद ही होगा कि यह भी एक कैसा रोग है फ्रेंड, आनुवांशिक। अब आप लोग ये भी जानते होंगे कि आनुवांशिक रोग क्या होता है, जो माता पिता को अपने यानी कि संतान को अपने माता पिता से गिफ्ट के रूप में मिलता है, यानी कि माता पिता से संतान को प्राप्त होता है, उन लोगों को आनुवांशिक रोग कहते हैं। तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम भी एक आनुवांशिक रोग है। अब आपको समझना ये ज़रूरी है कि ये किस कारण होता है फ्रेंड, तो इसका कारण क्या है फ्रेंड, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि कारण ही ज़्यादा पूछा जाता है, चाहे जहाँ चाहे कंपटीटिव एग्ज़ाम हो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो। तो इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है, यानी कि टर्नर सिंड्रोम में क्या था फ्रेंड, एक एक्स गुणसूत्र की कमी थी और इसमें एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता है होती है। तो फ्रेंड हम आपको बता दें जिसके कारण, यानी कि एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता होती है जिसके कारण केंद्रक में 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, यानी कि पहले कितने क्रोमोसोम हमारे अंदर पाए जाते हैं तो आप जानते ही, मैं कई बार बता चुका हूँ, तो 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो जब एक अधिक हो जाएगा तो फ्रेंड 47 हो जाएगा, यानी कि 46 की जगह पर 47 क्रोमोसोम हो जाते हैं, और आप जानते हैं क्रोमोसोम कहाँ पाए जाते हैं, केंद्रक में। तो फ्रेंड ऐसे व्यक्ति, यानी कि ये ज़्यादातर पुरुषों को ये रोग होता है, हम आपको बता दे रहे हैं, ऐसे व्यक्ति समग्र रूप से इनमें, मतलब ऐसे व्यक्ति में स्तन विकसित हो जाते हैं, यानी कि क्लाइनेफिल्टर रोग से ग्रसित व्यक्ति में, यानी कि पुरुष में स्तन विकसित हो जाते हैं, यानी कि पुरुषों में अस्तन विकसित हो जाते हैं, यानी कि जिस भी पुरुष को यह रोग है उनमें अस्तन विकसित हो जाते हैं, और पुरुषों में अस्तन विकसित होने की घटना को क्या कहते हैं फ्रेंड, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, गायनेकोमस्टिया। पुरुषों में अस्तन विकसित होने की घटना को गायनेकोमस्टिया कहते हैं। तो फ्रेंड इसको मैं हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप लोग अच्छे से समझ जाएं। तो इसे कहते हैं गायनेकोमस्टिया। तो ऐसे पुरुष भी बांझ कहलाते हैं। तो फ्रेंड ये था क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम। तो क्लाइनेफिल्टर सिंड्रोम इज ये आनुवांशिक रोग। कारण क्या होता है, इस रोग में एक एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यानी कि एक्स गुणसूत्र की अधिकता हो जाती है, यानी कि लैंगिक जो गुणसूत्र हैं
वो अधिक हो जाते हैं एक, जिसकी जिसके कारण केंद्रक में 46 गुणसूत्र के स्थान पर 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। और इसके लक्षण क्या है फ्रेंड, यहाँ पर हमको लक्षण लिखना चाहिए, तो लक्षण यह है, यह है लक्षण। तो लक्षण क्या है फ्रेंड, पुरुषों में स्तन विकसित हो जाते हैं, और पुरुषों में स्तन विकसित होने की घटना को क्या कहते हैं, गायनेकोमस्टिया। तो फ्रेंड ये था, आपको ये समझ में आया होगा, और अगर समझ में आ गया है तो मेरे चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक जरूर करें।